हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सैनी। डेली पीआईबी एनालिसिस में आपका स्वागत है। 19 फरवरी आज है, ट्यूसडे आज है, और शाम को पीआईबी के वीडियो आते हैं, सुबह आते हैं द हिंदू पेपर एनालिसिस के वीडियोस, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आते हैं, तो इनको किसी को भी आप मिस मत कीजिए। डेटा अलग होता है दोनों के अंदर और बहुत ही क्रूशियल है, और जो पेन ड्राइव कोर्सेज है स्टडी आईक्यू के, वो आप इन नंबर्स पे कॉल करके मंगवा सकते हो। और चाहे कोई भी एग्जाम हो, सारे ही एग्जाम में नोटिफिकेशन आज यूपीएससी का आ गया है और अच्छे नंबर हैं सीट्स के, तो आप बिल्कुल इंतजार मत कीजिए और बिल्कुल फास्ट हो जाइए। बिल्कुल, अब बात है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की। ये नीति आयोग निकालता है स्टेट्स के रिगार्डिंग, और सारे स्टेट्स को ये वाटर मैनेजमेंट के बेसिस के ऊपर करता है। ये बिल्कुल सही बात है, रैंक करता है। और ये रिपोर्ट जो इसमें गुजरात ने ड्रॉप किया है 16-17 की डेटा के अंदर, ये 16-17 का डेटा आया था, इसमें इन्होंने किया है, तो बिल्कुल सही, दोनों ही ऑप्शन इसमें सही होंगे, तो सी बोथ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है अल्डाब्रा जायंट टॉर्टोइस। अब इसका नाम ही जायंट है तो स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता। ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल है, बहुत बड़ा है ये, और लॉन्गेस्ट लिविंग है मतलब ये बहुत लंबे जीते हैं कछुए, 150-200-300 साल तक भी जीते हैं। कछुए होते हैं, पैरट्स, तोते होते हैं, भी बहुत लंबे जीते हैं, तो इनमें आइए आता है, और बहुत जायंट ये होता है, इसको गिफ्ट किया था, तो अभी ये बी इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है जो इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी ऑफ अ रीजन। ये देखिए, इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन जो होती है उस पर भी डिपेंड करती है, कितना पानी वगैरह है, फोटोसिंथेसिस की रेट कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, कितना प्रोडक्शन वहाँ पर होता है, ऑटोट्रॉप्स करते हैं, और मरीन अपवेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर मरीन इकोसिस्टम की बात करें तो वहाँ पर अपवेलिंग जो होती है उससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बॉटम से लेकर सरफेस पे आते हैं, तो वहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत इस पर डिपेंड करती है, तो तीनों ही इसका डी आंसर होने वाला है। नेक्स्ट डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से आया है। देखिए, वर्चुअल एक्सपेरियंशियल म्यूजियम। अब जब एक्सपीरियंशियल म्यूजियम है मतलब कि कुछ लिंक उसका हिस्ट्रीज है, तो ये बनाया गया। देखिए, पहले अकबर के टाइम पर राजा मानसिंह थे राजस्थान के अंदर, उन्होंने ये बनवाया था, और राजस्थान के जो राजा रहे हैं खासकर जयपुर के, उनको उस चीज़ में एस्ट्रोलॉजी में और प्लैनेट्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट रहा है, तो आपने देखा होगा जो जंतर मंतर है वो सब उन्होंने बनवाया हुआ है। तो वहाँ पर वाराणसी के अंदर एक दशाश्वमेध घाट है, वहाँ पर ये बनाया गया है वर्चुअल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम, और ये डिजिटाइज फॉर्म में है, और मान महल है वहाँ पर जो पहले था उसके वहीं उसी के कॉम्प्लेक्स में ये बनाया गया है, और नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड म्यूजियम काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करता है ये, तो ये बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। और इसके अलावा इंटैक है एक इंपॉर्टेंट एक ट्रस्ट है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये काम करता है कंजर्वेशन के वगैरह के अंदर, तो इसने भी इसको डिज़ाइन किया है और हेल्प किया है इस म्यूजियम को बनाने के अंदर, और वाराणसी आप याद रखना यूपी के अंदर है। नेक्स्ट है देखिए, सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स ऑब्जर्वेटरी, जो मान महल है पहले से ये सेंट्रली प्रोटेक्टेड है, याद रखना, ठीक है, तो इसको फाइनेंशियल एड वगैरह सब मिलती है, और राजा मानसिंह 1600 एडी में थे तब उन्होंने ये बनवाया था, और एम्परर अकबर के काफ़ी क्लोज एड माने जाते थे उस टाइम ये, और उसके बाद 1734 में 150 साल बाद इसमें ऑब्जर्वेटरी भी बनाई गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये ऑब्जर्वेटरी वही है जो प्लैनेट्स वगैरह की होती है, जो सन डायल वगैरह सब बनाते हैं, वो सब चीज़ें इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है वो उस टाइम पे राजा सवाई जयसिंह टू थे, ठीक है, जो 1734 में, 1600 में मानसिंह थे। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का डेटा है, एनर्जी और एनवायरनमेंट के ऊपर एग्जीबिशन है, 3 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, दिल्ली में ये हो रही है, ठीक है, और CSIR जो काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च और साइंस की जो बॉडी है उसी के एक इंस्टीट्यूट है माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च की, धनबाद के अंदर, झारखंड के अंदर, और वहां पर ये ऑर्गेनाइज हो रही है, सॉरी वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक तो CSIRG इंस्टीट्यूट है धनबाद की, वो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, वहां पर नहीं हो रही दिल्ली में ये, और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ये है, एनको इसका नाम है, NENSO या एनको इसको बोल सकते हैं, 2019 की साल है ये, और 20th से 22 फरवरी तक ये होने वाली है। इंपॉर्टेंट है R&D का एरिया, जब एनवायरमेंट और एनर्जी की बात है तो R&D सेक्टर सबसे क्रूशल हो जाता है इसमें, और पोस्ट 2020 इरा जो होने वाला है, देखिए ये पोस्ट 2020 इरा नेशनली इंटरनेशनली हर तरह से इंपॉर्टेंट है, जो टारगेट्स स्टार्ट होने वाले हैं क्लाइमेट चेंज वगैरह के अंदर, और इनके अंदर सबसे ज़्यादा नीड बड़ी है वो है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की और सारी इनोवेशन की, तो R&D सेक्टर हर तरह से 2020 के आगे बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। अभी तक सारी तैयारी उसी की चल रही है, 2020 तक क्योटो प्रोटोकॉल का भी सेकंड फेज खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद बहुत कुछ जो है नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है, सारे इंटरनेशनल और नेशनल टारगेट्स, तो उस टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और अब्रॉड हर जगह से इसमें डेलीगेट्स आ रहे हैं, तो इसमें अकेला इंडिया नहीं है, ये भी याद रखना, पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा है, 112 नंबर, जैसे अमेरिका में 911 होता है कोई भी इमरजेंसी के लिए, यहां पर 112 नंबर लॉन्च किया गया है, और खासकर वीमेन सेफ्टी इसमें बहुत फोकस्ड है। एक है इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, ITSSO, और एक सेफ सिटी,
इनका इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। 78.86 करोड़ रुपीज MHNA इसमें अप्रूव किए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, क्योंकि सेफ्टी की बात है। और 16 स्टेट्स और यूटीज के अंदर ये चालू किया गया अभी, ठीक है, जो ERSS का नाम ये दिया गया है, तो ये लॉन्च किया गया 16 स्टेट्स, सब जगह नहीं किया गया, लेकिन ये होगा धीरे धीरे, सब जगह चालू हो जाएगा। तो ये वाले जो है स्टेट्स और यूटीज है जहां पे चालू किया गया है, और इनके नाम याद रखना आप। नेक्स्ट है होम मिनिस्ट्री है एक तो, और मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट और वुमेन की है, इन दोनों का ही जॉइंट एफर्ट है ये, WCD और होम मिनिस्ट्री दोनों का ही इन्होंने वेलकम किया है। और इनिशिएटिव वुमेन सेफ्टी के लिए स्पेशली इसमें लेना है, क्योंकि वही सबसे बड़ा कंसर्न इंडिया में रहता है। हालांकि और भी हर तरह की इमरजेंसी और भी कंडीशन जो है उनके लिए भी 112 नंबर रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन वुमेन सेफ्टी का कंसर्न बहुत ही बड़ा है इंडिया के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें जो जुडिशरी, पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और वॉलंटियर्स सब मिलकर काम करने वाले हैं, सारे इसमें स्टेक होल्डर्स होंगे। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का डेटा है, 4 प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट के अंदर। देखिए सिल्क की बात है, असम का सिल्क बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, साड़ियां बनती हैं, सारा रेशम के जितने भी कुछ उद्योग धंधे जो भी चलते हैं कपड़ों के रिगार्डिंग, टेक्सटाइल के रिगार्डिंग, उनमें सिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इंडिया में कौन से टाइप के सिल्क मिलते हैं, और आपको पता है कि ये कोकून होता है, एक छोटा कीड़ा होता है जो कि पेड़ पे लगता है, और वो उसको उसकी बॉडी से सीक्रेट होता है, और फिर उसी से वो रेशा बनाया जाता है रेशम का, बहुत ही मखमली होता है। और देखिए इंपॉर्टेंट है मुगा सिल्क, सबसे ज़्यादा वही इंपॉर्टेंट रहता है इंडिया में। इसके अलावा भी टसर और ईरी सिल्क ये सब होते हैं, इनकी आपको मुझे कैटेगरीज बतानी है कौन सी है, किसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है वो बताना है। तो मुगा सिल्क के रिगार्डिंग एक प्रोडक्शन सेंटर मेघालय के अंदर तुरा नाम की जगह है, वहां पर किया गया है, और संगाईपत इंफाल के अंदर है, वहां पर ईरी सिल्क है, ये दूसरी कैटेगरी है, ईरी टाइप दूसरा ये, तो ईरी में किया गया है संगाईपत इंफाल में। और इस मुगा सिल्क का ही त्रिपुरा अगरतला में भी किया गया है, ठीक है ये याद रखना। और ईरी के दो हैं और मुगा सिल्क के दो हैं, मुगा के तुरा मेघालय और त्रिपुरा अगरतला में है, और ईरी के संगाईपत इंफाल में और मामित मिजोरम में। ये बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं आपको, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट बहुत कंफ्यूज करते हैं, बाकी जो इंडिया के जो लोग साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया से आते हैं उनको बहुत कंफ्यूज होते हैं नॉर्थ ईस्ट के नाम में, स्टेट्स के नाम में। तो ये याद रखना संगाईपत मणि इम्फाल। अब देखिए इसको याद करने के लिए, संगाई डियर होता है हिरण, तो वो मणिपुर में मिलता है, मणिपुर के कैपिटल है इम्फाल, तो संगाईपत याद रखना, और मामित मिजोरम। और इसके अलावा वीवर सर्विस सेंटर, ये भी इसकी नई बिल्डिंग बनाई गई है इंदौर मध्य प्रदेश में। देखिए 1962 में ही ये एस्टेब्लिश हो गया था इंदौर में, लेकिन बिल्डिंग नहीं थी, अब जाके बिल्डिंग बनी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और कुन्नूर केरला के अंदर भी ये बिल्डिंग बनाई गई है। और इसके अलावा जो पीएम किसान जो अभी स्टार्ट की गई है पैसे देने की जो योजना है, और मानधन योजना जो पेंशन वाली स्कीम है, इनके रिगार्डिंग भी मिनिस्टर ने थोड़ा सा बोला है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का डेटा है। देखिए पहले एक इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि जस्टिस डिलीवरी जो है वो एकदम लोकल लेवल पे लेके जाइए, और अब टेक्नोलॉजी का इसमें फायदा उठाइए। और ये भी किया था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर जो CSCs हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, जहां पर विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं VLEs, तो उनका फायदा यहां पे उठाया जाता है। तो इसमें टैली लॉ और न्याय बंधु दो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने किए हैं। ये टैली लॉ तो होगा वो तो CSCs के रिगार्डिंग होगा, जिसमें लीगल एड जो है CSCs के थ्रू दी जाएगी। सारा पहले तो ये डेटा आया था कि इसमें जो भी अवेलेबल होगा, मतलब डेटा जो होता है सारा डिजिटाइज फॉर्म में, कोई भी केस का, कोई भी जहां पर बार बार नहीं जाना पड़े शहरों के अंदर, तो वो डेटा वहां पर विलेज लेवल पे CSCs में अवेलेबल रहेगा। अभी इसके थ्रू ये एड भी दी जाएगी। दूसरा न्याय बंधु है, ये प्रो बोनो लीगल सर्विसेज के रिगार्डिंग है, जिसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू और ये लीगल एडवाइस और एड कंट्री में दी जाएगी, न्याय बंधु और टेली लॉ दोनों, लेकिन टेली लॉ में कॉमन सर्विस सेंटर का नाम है, ये आप याद रख लेना, ठीक है। और वैसे इसकी फिलॉसफी की बात करें, आर्टिकल 39A है, देखिए हमारा DPSP के अंदर है, उसके अंदर दिया गया है कि लीगल सर्विसेज जो हैं वो गरीब से गरीब लोगों के पास फ्री अवेलेबल होनी चाहिए, तो उसके लिए ये इसको फुलफिल करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, और ये फ्री होने वाला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है देखिए पैरालीगल वॉलंटियर्स की भी इसमें बात की गई है। पैरालीगल वॉलंटियर्स मतलब कि जो प्री लिटिगेशन जो स्टेज होता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं, उसके अंदर ये हेल्प करेंगे सारा। पैरालीगल वॉलंटियर्स, इनके रिगार्डिंग भी ऐप बनाई गई है, और ये परफॉर्म करेंगे, मैंने आपको बताया प्री रजिस्ट्रेशन और केसेस की रिगार्डिंग जो भी इश्यूज होते हैं, और ये लॉयर्स वगैरह जो अलॉट होते हैं, जो मतलब इनका पैनल होता है, उनका अपॉइंटमेंट होता है, उसके रिगार्डिंग डेट वगैरह फिक्स होती है, कब कब सुनवाई होने वाली है, उसके रिगार्डिंग ये लोगों को बताएंगे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स इशू होता है ये जो केसेस वगैरह होते हैं, और विलेजर्स को इनका पता नहीं होता ज़्यादा, तो ये सर्विस एकदम विलेज लेवल पे अवेलेबल हो, ये काम PLVs करेंगे, पैरालीगल वॉलंटियर्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का सारा ये इशू है, आप इसको याद रखना।
और जो बॉडीज हैं नेशनल लेवल पे, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और स्टेट पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज जो हैं, वो इसको इंप्लीमेंट करेंगी, मॉनिटर करेंगी। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में चलने वाला है, याद रखना। ये दोनों के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, नालसा और सालसा, ठीक है। और ये हो गया। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डेटा है बेंगलुरु के अंदर। देखिए डीआरडीओ का एरो इंडिया इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा है, बेंगलुरु में हो रहा है ये। और आज एक न्यूज भी आई है कि जो विमान टकरा गए और एक की डेथ भी हो गई पायलट की, वो अलग था, वो सूर्य किरण वाला वो चल रहा था, उसमें प्रोग्राम जो चल रहा था जिसके अंदर रिहर्सल वगैरह चल रही थी। और ये बेंगलुरु में है, डीआरडीओ का है ये एयरो इंडिया इंटरनेशनल समिट, और इसमें एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और डीआरडीओ ये दोनों मिलके ये दो दिन का सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये दोनों अलग अलग है, नाम याद रखना, ठीक है। और इसका थीम है एमर्जिंग फ्रंटियर्स इन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी। जितना भी टेक्नोलॉजिकल अभी अटैक हुआ उसके बाद ये टेक्नोलॉजिकल इश्यूज बहुत क्रूशल हो गए हमारे, और खासकर एयरफोर्स जिसका यूज किया जा सकता है, तो एवियोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है हमारी सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट का डेटा है विजन जीरो कॉन्फ्रेंस, ये मुंबई में हो रही है। विजन जीरो कॉन्फ्रेंस किसके रिगार्डिंग है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, जो काम करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वगैरह होते हैं या फिर कोई भी ऑक्यूपेशन में काम करते हैं, उनकी सेफ्टी जो होती है और उनकी जो हेल्थ होती है, उसके रिगार्डिंग ये कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। और विजन जीरो कॉन्फ्रेंस ये एक इंटरनेशनल सीरीज चल रही है, उसी के लाइंस पे इंडिया में भी हो रही है। तो इसमें जर्मनी की भी इंपॉर्टेंट एजेंसी है और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो साथ मिलकर काम कर रही है। और ये फास्ट गेनिंग इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस वाला एक कॉन्सेप्ट है जो चल रहा है विजन जीरो, इसमें स्पेशली फोकस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के रिगार्डिंग है। तो इसमें चाहे सिलिकोसिस डिजीज की बात हो, चाहे वो कोल माइनर्स के रिगार्डिंग हो, चाहे और भी कोई इश्यूज हो, चाहे वो पार्टिकुलेट मैटर के इश्यूज हो, तो वो सब इसमें आएंगे। और इनके रिगार्डिंग जो भी कोई मतलब मशीनरी या फिर कोई भी टूल्स वगैरह या नीडेड होते हैं, जो भी इनके मतलब ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग, जो वर्क प्लेस पे जो भी सेफ हैंडल्स होते हैं, उन सबको प्रमोट किया जा रहा है। उनका कैसे एक कॉमर्शियल और चीप डेवलपमेंट हो और उसके अंदर कोई कमी नहीं रह जाए, वो स्पेशली यहां पर फोकस है, ठीक है, याद रखना। विजन जीरो कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है पीसीएस I1X, ये मैरीटाइम कॉमर्शियल पोर्टल है, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने लॉन्च किया है, नितिन गडकरी जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने किया है PCS 1X। देखिए दो तीन सालों से यूपीएससी में इस तरह के नाम पूछ रहे हैं कि ये कोई रॉकेट है, ये कोई सबमरीन है, या कोई एयर डिफेंस सिस्टम है, या क्या है। तो ये मैरीटाइम कॉमर्स पोर्टल है PCS 1X, और ये रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया है इंडियन पोर्ट एसोसिएशन के थ्रू, ठीक है। और इंपॉर्टेंट ये होगा, डिजिटाइजेशन होगा एक्सिम ट्रेड के अंदर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड जो है, देखिए उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पीसीएस, ये वाला जो है। और इस पीसीएस के थ्रू, मतलब कि पोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो इस पीसीएस के थ्रू मेजर रोल ये प्ले करता है। और वर्ल्ड रैंकिंग जो हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसके अंदर सबसे बड़ा जो ट्रेड का ही एस्पेक्ट होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर, जितना होता है उसी से वो पता लगता है कि कितना ईजी हुआ है बिजनेस करना यहाँ पर। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हमारी रैंकिंग लगातार बढ़ रही है। पहले हमारी 2017 में 100th नंबर पे आए थे, उसके बाद 77th नंबर पे 18 में आ गए, तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारा इंप्रूवमेंट है। दूसरा, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर पार्ट पैरामीटर जो है उसमें भी हम 146 से लेकर सीधा 80 नंबर पे आ गए हैं। तो इसके कारण भी हमारी ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक की जो होती है उसमें हमने इम्प्रूव किया, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये पोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम का होता है। और इसके रिगार्डिंग ये पीसीएस 1X जारी किया गया है, ये लॉन्च किया गया है, इंपॉर्टेंट पोर्टल है। नेक्स्ट ये MCQs हैं, आप इनके आंसर्स ट्राई करना, लिखना आप इनको और कमेंट सेक्शन के अंदर, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रेलिवेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इनको चूज किया है, ठीक है। ये थोड़े से करंट अफेयर्स के भी हैं, कुछ वैसे स्टैटिक पोर्शन के भी हैं, लेकिन बहुत क्रूशियल हैं इसलिए। तो थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, PDF आपको मिल जाएगा इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर जहां पर मैं अपलोड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, इट वॉज अ मिस।